बाली के हृदय में जब तीर लगा हुआ था, जब वह मरने की स्थिति में था, तब बाली ने कुछ प्रश्न भगवान से पूछे। उसने कहा, प्रभु आपने मुझे छिपकर क्यों मारा? किसी राजा को तपस्या के लिए मेरी छाल कभी काम में नहीं आएगी, क्योंकि बंदरों को तो दूषित माना जाता है और मेरा मांस भी किसी काम का नहीं है, क्योंकि यह खाने के काम नहीं आता। आपने मेरे सामने आकर युद्ध क्यों नहीं किया? आपने यह कायरता का काम क्यों किया? मुझे पता था आप सुग्रीव की मदद के लिए जरूर आए हैं। आप मुझसे मदद मांगते, मैं एक दिन के अंदर सीता मैया को लेकर आ जाता। यह सुग्रीव आपकी क्या मदद करता? मैं आपकी मदद कर देता, लेकिन आपने यह कायरता का काम क्यों किया और मुझे क्यों मारा? श्री राम ने बाली से कहा कि तुम बात बड़ी शिष्य वाली करते हो, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में दोष है। तुमने ज्ञान प्रमाणिक स्त्रोत्रों और शिक्षकों से अवगत होकर प्राप्त नहीं किया, सिर्फ मनोधर्म से ही प्राप्त किया है, इसीलिए तुम्हारे ज्ञान में दोष है। और तुमने सबसे पहले सुग्रीव की पत्नी का हरण किया और फिर उसका उपभोग करने की कोशिश भी की। तुम एक वानर हो और मैं एक क्षत्रिय सूर्यवंशी हूँ, जिनका धरती पर साम्राज्य स्थापित है। हमारा धर्म है कि कोई अनुचित कार्य करेगा तो उसे सजा देनी चाहिए, एवं तुम एक पशु भी हो और पशुओं का शिकार करना क्षत्रिय के लिए अनुचित कार्य नहीं है। क्षत्रिय अपने बाहुबल को बनाए रखने के लिए कभी कभी पशुओं से हिंसा करते हैं। श्री राम ने बाली से कहा कि मैंने तुमसे इसलिए मदद नहीं मांगी क्योंकि तुम स्वयं एक स्त्री के हरण करता हो, एवं बाली को भगवान ब्रह्मा का वरदान था कि तुम्हारे सामने आने वाले व्यक्ति की तुम्हें आदि शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर भगवान उसके सामने आ भी जाते तो उसे यह शक्तियां प्राप्त नहीं होती, क्योंकि श्री राम तो भगवान हैं और उनके पास अनंत शक्तियां थी। श्री राम ने कहा, मैंने तुम्हारे सामने आकर इसलिए नहीं युद्ध किया क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान निरस्त हो जाता और यह मैं नहीं चाहता था। यह सभी कारण जानकर बाली ने श्री राम से कहा कि भगवान आपने सही किया। श्री राम की महिमा गाते हुए उसने अपने प्राण त्यागे, लेकिन अपने पुत्र अंगद को भगवान को सौंप दिया और कहा, प्रभु मुझमें जरूर दोष हैं, लेकिन मेरे पुत्र अंगद को स्वीकार कर लीजिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।